नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली वेज रसोई। आज हम आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं, तीखुर के हलवे की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही यमी लगते हैं और गर्मियों में इसे खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप किसी भी व्रत या उपवास पर बना के खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तीखुर का हलवा बनाने के लिए मैंने तीखुर लिया है 50 ग्राम। इसे सबसे पहले हमें फूलने के लिए डालना है, तो मैंने लिया है एक पतीला जिसमें मैं तीखुर डाल दूंगी और इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाए। आधे घंटे हो चुके हैं और आप खुद ही देख सकते हैं जो पानी है वो ऊपर हो चुका है और जो तीखुर है वो नीचे है। तो अब हम इस पानी को हटा लेते हैं। मैंने पानी निकाल कर अलग कर लिया है, मैं इसे साइड कर देती हूँ और इस तीखुर में वापस से पानी डालूंगी और इसे फिर से मिक्स कर दूंगी और फिर से इसे छोड़ दूंगी एक घंटे के लिए। और वापस से एक घंटे बाद जब पानी ऊपर आ जाएगा, तीखुर नीचे बैठ जाएगा, तो उस पानी को हम हटा देंगे। और ये प्रोसेस हमें कम से कम 4 से 5 बार करना है। एक घंटे बाद मैंने इसका ढक्कन अब मैं हटाऊंगी और इसका पानी मैं फिर से अलग कर दूंगी। ये प्रोसेस मैंने तकरीबन 4 से 5 बार कर चुका है और ये लास्ट बार मैं कर रही हूँ, तो इसका पानी मैं अलग कर दूंगी निकाल कर। मैंने तीखुर को पानी से अलग कर लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और जिसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है। अब मैं इसमें घी डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी मिल्क। ये मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। आप गाय का दूध या फिर जो पैकेट्स में दूध आता है आप वो भी ले सकते हैं, डेयरी वाला। और अब हम इसमें डालेंगे तीखुर जो मैंने अलग किया था। सारी चीज़ों को एक साथ डालकर हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे, वरना इससे सारी चीज़ें जलने लगती हैं बहुत जल्दी। तो मैंने इसमें तीखुर डाल दिया है। अब मैं इसे मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गैस का फ्लेम भी मैंने हाई कर दिया है। इस बात का ध्यान रखिए कि हमें इसे लगातार चलाते रहना है, वरना ये अगर चिपक गया तो ये जल सकता है। लगातार चलाते हुए आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो मिल्क है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही इसे लगातार चलाते रहेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप इसे लगातार चलाएं और जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कढ़ाई हो या दूसरा कोई भी पतीला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो मोटे तले का हो, ज़्यादा पतला ना हो, वरना ये अगर बहुत जल्दी चिपकेगा तो ये जलना शुरू हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और इसे लगातार चलाते रहें। लगातार चलाते हुए अब इसमें उबाल भी आ चुका है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। ये आप अपने अनुसार रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा रखना चाहते हैं या कम मीठा रखना चाहते हैं। और चीनी डालने के बाद हम इसे वापस उसी तरह फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसे लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाते ही अब ये बिल्कुल अच्छे से थिक हो चुका है, हम इसे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे।
अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसकी बर्फी को हम एक थाली में सेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है और इसे मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ ताकि जो बर्फी है वो इसमें चिपक ना जाए। अब हम इसे उस प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसे मैं बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से सेट कर दे रही हूँ और इसी तरीके से इसे अच्छे से फैला लेने के बाद मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। इसे हम अच्छे से हिला के स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये इक्वली स्प्रेड हो जाए। तो अब हम इसे 1 से 2 घंटे तक रख लेते हैं, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो मैंने इसे कुल 2 घंटे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया और जब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया इसे मैंने नाइफ से कट करके और प्लेट में निकाल लिया है। आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं, आप इसे स्क्वायर में करें या बर्फी शेप में करें और बस इसे काट कर और प्लेट में सर्व करें। इसके ऊपर काजू किशमिश जो आपको पसंद हो अपने पसंद अनुसार डालें और फिर इसे सर्व करें। मैंने इसके ऊपर किशमिश लगा दी और ये भी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी सच में पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।